फ्रेंड आज हम इस रेफरेंस को वाटर कलर से ड्रॉ करेंगे और आपको वाटर कलर पोर्ट्रेट किस प्रकार से किया था वो भी पता चलेगा। तो फ्रेंड आपको सिद्धू मूसेवाला का कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम अलग अलग पोर्ट्रेट में आउटलाइन को ड्रॉ करते थे और इसमें भी हम सिंपल तरीके से पहले आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने पोर्ट्रेट में वाटर कलर को कैसे फिल करना, उसकी एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। हमने आउटलाइन को तैयार कर लिया, तो इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपका पोर्ट्रेट का स्किन टोन होगा उसके हिसाब से आपने कलर को फिल करना है। मैंने लेमन येलो और गेमो येलो का यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पोर्ट्रेट के हिसाब से इसमें कलर को फिल कर सकते हो। एक चीज़ का खास आपने ध्यान रखना है कि पोर्ट्रेट में आपने कलर की क्वांटिटी कम और वाटर की क्वांटिटी पहली लेयर में ज़्यादा रखनी है। लाइट और शैडो का ध्यान रखते हुए आपने सेकंड लेयर में क्या करना है कि वाटर की क्वांटिटी को कम करना है और कलर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देनी है, और उसके बाद आपने सेकंड लेयर में इस प्रकार से कलर को फिल कर देना आसानी से। थर्ड लेयर में आपने जहाँ जहाँ डेप्थ एरिया है वहाँ डेप्थ एरिया बढ़ा देना है, वाइड वाले पोर्शन को पहले से छोड़ देना, और बियर्ड वाले एरिया में भी ये चीज़ आपने दोबारा दोहरानी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ आपका हार्ड स्ट्रोक पड़ा वहाँ आपने पानी के साथ इसको मर्ज कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला पोर्ट्रेट हो गया कंप्लीट। तो इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो आपको ये वाला पोर्ट्रेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको मिलूंगा नए पोर्ट्रेट के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।